किस सेक्शन में आवाज आ रही है मेरी? रेज योर हैंड्स जिस सेक्शन में मेरी आवाज आ रही है। ऑडिबल नाइन स्विच ऑन द माइक बेटा, स्विच ऑन द माइक, योर माइक इज ऑफ। मैम यस क्या बेटा, मैम प्लीज टेल इफ वी आर ऑडिबल यू आर ऑडिबल बेटा, एम आई ऑडिबल टू यू? बट योर वॉइस इज नॉट कमिंग किसी भी सेक्शन क्या में आवाज कर रही है? नाइन्थ बी, एम आई ऑडिबल? ओ टू नेगेटिव हैज गेन टू इलेक्ट्रॉन्स, टू इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल, टू बिकम स्टेबल एंड हैज एट इलेक्ट्रॉन्स, एंड हैज एट इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, इन इट्स वैलेंस शेल। ठीक है बच्चे, यस चलिए अब आइए जरा क्वेश्चन नंबर 14 का, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14। रीड कीजिए जरा सभी। थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए क्वेश्चन 14 इज सेइंग एन आयन एक्स टू प्लस, आयन क्या है हमारा? एक्स टू प्लस। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा इसके पास? 18। एंड न्यूट्रॉन कितने हैं बच्चे इसके पास? 20। ठीक है आगे चलिए। कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ द एलिमेंट एक्स। हमें क्या क्या बताना है? एटॉमिक नंबर, ध्यान से समझ लेना बेटा ये एटॉमिक नंबर, और सेकंड हमसे पूछा गया इसका मास नंबर, राइट? ये दो चीजें हमसे पूछी गई हैं और दो चीजें हमें गिवन है। पहले तो मुझे बताइए एक्स टू प्लस एक मेटल है या नॉन मेटल है? मैम मेटल। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए या लूज किए? टू इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, ठीक है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स 18 है। एक्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं मुझे किसके दिए गए हैं? एक्स टू प्लस के, ठीक है। तो चलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्स, 18 तो पहले से ही दिए हुए हैं। अगर हम जो इसने टू लूज किए थे वो हम इसमें ऐड कर देते हैं, कितने हो गए? 20। मैम इस एलिमेंट के पास 20 इलेक्ट्रॉन्स थे, लूज करने से 18 रह गए, ठीक है। टू लूज करने से उसके पास 18 रह गए। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्स हमें मिल गया 20, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। अभी आपने टेबल देखा बुक के अंदर, तो प्रोटॉन्स कितने हो गए? 20। तो एटॉमिक नंबर मुझे बताइए कितना हुआ? 20। 20 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन का भी लिख सकते थे क्योंकि हमने निकाल लिया था 20 के इक्वल,
बट हमें मैंने इसलिए रिलेट करवाया, अभी अभी हमने पढ़ा एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है? चलिए, मास किसके इक्वल होता है, हमने फॉर्मूला लिखा था अभी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हाँ जी, न्यूट्रॉन्स का नंबर दिया हुआ है 20 एंड प्रोटॉन्स कितने आए, मैंने मास कितना है 40। यू लिखना है बेटा साथ में, एटम के मास को यू, यूनिफाइड मास, ठीक है? इसकी यूनिट है मास की, तो ये आ गया मास। ये फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा आपका, एंड दिस इज योर सेकेंड पार्ट। यस डन बच्चे, yes. चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर आइए बेटा, जरा क्वेश्चन नंबर 21। चलिए, एटम ए हैज मास नंबर 209 एंड एटॉमिक नंबर 82। एटम ए, ए एटम है, एटम ए के बारे में बताया गया मास कितना है 209 एंड एटॉमिक नंबर हमें दिया गया है 82, ठीक है जी? एटम बी हैज मास नंबर 209, एटम बी का मास भी है 209 और उसका एटॉमिक नंबर है 83। ये दो डेटा हमें दिए गए हैं, ठीक है? हाउ मेनी प्रोटोन्स एंड एटम ए हैज, अब हमें ए के प्रोटोन पूछे गए हैं बेटा, प्रोटोन बताने हैं हमें इन ए, ठीक है जी? चलिए, हम मास का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। मास किसके इक्वल होते हैं बोलिए जरा, नंबर ऑफ प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन। तो मुझे पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो मुझे तो निकाल सकते हो, वैसे तो सीधा सीधा भी आ रहा था नंबर, प्रोटॉन्स का डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। प्रोटॉन्स इन ए इज इक्वल्स टू, देखो प्रोटॉन्स। दो तीन कॉन्सेप्ट होते हैं, इसको रहने दो एक बार, इससे कंफ्यूज हो जाओगे। प्रोटॉन इन ए, अभी देखो क्या ही एटम के ऊपर कोई चार्ज है, तो नो जब चार्ज नहीं होता ना बेटा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, ये लिख लो बॉक्स में, बना लेना इसको, इसके ऊपर लिखिए व्हेन एटम हैज नो चार्ज, हैज नो चार्ज देन ये कंडीशन, ये पूरा एक बॉक्स में बना करिए, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जब चार्ज नहीं है ये तब की बात है, अगर आपके पास ऐसे +2 -2 कुछ दे रखा होगा, -3, तब की बात नहीं है, इस केस में ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है? तो अब मुझे क्या प्रोटॉन बता सकते हो ए में कितने हैं, कितने Yes. हैं बोलो, 82।
क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल या नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, ठीक है? प्रोटोनिन ए इज 82, हाउ मेनी प्रोटॉन्स इन एटम बी? 83। प्रोटॉन्स कितने हैं इसके पास? 83 83 इजी हो गया ना, नहीं तो पूरी कैलकुलेशंस करनी पड़ती आपको, अभी इजी हो गया। आर एटम्स, ये थर्ड पार्ट छोड़ दीजिए, ये टॉपिक अभी हमने किया नहीं है। यहां तक सबको समझ आ गया बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 एक ओरल क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए, वर्कशीट के ऊपर ही आंसर लिख दो इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 दोनों। चलिए बेटे ये कीजिए जरा, दोनों क्वेश्चंस वर्कशीट के ऊपर ही हो जाएंगे, जस्ट आंसर ही लिखने आपने, ठीक है? कर लो बेटा कर लो, 9th है, आप तो बिल्कुल ही ऐसे बैठे हो आज। सर क्लास यहाँ है किसकी? चलिए बेटा आप कंप्लीट कर लेना बेटा, वी विल डिस्कस द आंसर्स इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? आई थिंक आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है ना, सो बाय वन, ठीक है? रिपीट कर लेना, रिवाइज कर लेना, और एटॉमिक नंबर्स शुड एवरीवन लर्न, ठीक? सो बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच टीचर्स, बाय मैम, बाय जी, बाय।